हाय गाइस, गुड इवनिंग। और अभी जो है 8 बज चुके हैं, तो आज का ब्लॉग जो है मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ और जाऊँगी पूजा की तैयारी करने के लिए, क्योंकि अभी से अगर हमने पूजा की तैयारी स्टार्ट नहीं की तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। पूजा की तैयारी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, बहुत टाइम लगता है, चाहे कैसे भी आप मना रहे हो। और सबसे बड़ी बात, मेरा जो बेबी है वो बहुत ज़्यादा नॉटी है, जो मतलब अगर हमें कोई काम करना हो 10 मिनट लगते हैं तो हमें उस काम को करने में आधा घंटा लगता है उसके साथ। तो ये सब देख के इसलिए थोड़ा जल्दी ही जाऊँगी काम के लिए, और थोड़ी तैयारी करनी है, थोड़ा डेकोरेशन है, और उनको नहलाना भी है, ड्रेस भी पहनानी है उनको, इसलिए बहुत सारा काम है। तो अभी से स्टार्ट करते हो, और आपकी पूरी फैमिली को मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने कैसे मनाया, आप लोग क्या करते हो। आप जब ऐसे बताओगे तो मुझे अच्छा लगता है, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगेन आपको हैप्पी जन्माष्टमी। तो फिर ज़्यादा बकबक ना करते हुए स्टार्ट करते हैं जन्माष्टमी की तैयारियाँ। तो फिर सबसे पहले हम राधा रानी जी का श्रृंगार करेंगे और उसी से स्टार्ट करते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि टाइम बहुत कम है और वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं बहुत जल्दी दिखा रही हूँ आप लोगों को। और ये जो सारी ड्रेसेस है ये सब मैंने खुद बनाई है अपने हाथों से। परफेक्ट तो नहीं है, बट मैं खुश हूँ कि हाँ मैंने अपने हाथों से इनको बना के पहनाई है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस चीज़ के लिए। तो मेरी राधा रानी यहाँ बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और अब बारी है कृष्णा जी की, तो उनको भी हम ड्रेस करेंगे अच्छे से। मेरे कान्हा जी भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। जो है अपने लड्डू को नहलाएंगे, तो सबसे पहले ये पंचामृत है, इससे नहलाएंगे। वैसे कोई कोई होता है इसको एक साथ मिक्स करके नहलाता है, बट हम ऐसे अलग करके उनको नहलाएंगे अच्छे से, और उसके बाद इनको हम तैयार करेंगे। ये मेरे लड्डू कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, और ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो बस अब इनको हम अपने उनके पालने में बैठाएंगे, और इनकी पूजा स्टार्ट कर दी है।
पर है कुछ फ्रूट्स रखे हैं, 5 तरह के फ्रूट्स हैं और यहाँ पर बनाई है उनके लिए सेवैया और 5 तरह की मिठाइयाँ, मिश्री और माखन रखा हुआ है। हम लोग जो है अन्न का भोग नहीं देते हैं। और यहाँ पर बनाया उनके लिए मालपुए है और ये केले के वड़े बोलते हैं वो है, और ये है घेवर, और बस इतना ही बनाया है। कुछ चॉकलेट्स वगैरह रख दी है, सब अपनी अपनी खुशी से कुछ भी रख सकते हैं। और यहाँ पर जो है मेरा दूसरा लड्डू आ चुका है उनका झुलाने के लिए। इतनी ज़्यादा शैतानियाँ कर रहा है ये मंदिर में आके, ये ज़िद कर रहा है कि ये भी झूले में बैठेगा उनके साथ। बच्चा है ना, इसको ये देखिए, ये भी अपनी शैतानियाँ इसकी चालू है, ये रुक ही नहीं रहा है, ये बार बार झूले की तरफ ही जा रहा है, इसको भी बैठना है झूले में इसलिए। तो हम जो है अपना जो जन्माष्टमी है वो ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं, सिंपल तरीके से, जितना हो सके उतना किया है हमने। सबका अलग अलग तरीका होता है, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए और बस पूजा यहीं तक ही। आज का ब्लॉग बस यहीं तक। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो आज के लिए बाय।